नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। लखीमपुर खीरी हादसे में किसानों को रौंदने का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है दोस्तों, और कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं कुछ देर बाद बताऊंगा दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने इस मामले में बेहूदगी और बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया है, और उन्हें साथ मिल रहा है एक बिके हुए और पालतू गोदी मीडिया का। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। आपको मैं दिखाना चाहता हूं, पत्रकार नीता शर्मा ने दोस्तों अपने ट्विटर हैंडल पे इसको डाला है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, गृह राज्य मंत्री जो कि मोनू शर्मा, वो व्यक्ति जिस पर आरोप है किसानों को रौंद कर उन्हें मारने का, उनके पिता जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो राजधानी दिल्ली में एक समारोह में आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों। इस समारोह में दिलचस्प बात यह है कि पहले पत्रकारों को बुलाया गया था, मगर फिर मोदी सरकार को समझ में आया कि अगर पत्रकार आएंगे तो वो आदतन सवाल पूछ लेंगे मंत्री जी से। पत्रकारों को रोकने के लिए, ताकि वो सवाल ना पूछ पाए, पत्रकारों की एंट्री जो है वो वर्जित कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई। मगर मैं कुछ और कहता हूं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आप दो दिन पहले सिर्फ 130 किलोमीटर दूर थे लखीमपुर खीरी से, आपने अब तक एक बयान नहीं दिया है। किसानों की मौत के बारे में तो बहुत दूर की बात है, आपके अपने पार्टी के 2 से 3 कार्यकर्ता मारे गए, आप उस पर खामोश हैं। आपकी पार्टी ने यह जतला दिया है कि आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में भी परवाह नहीं करते, क्योंकि कोई नेता वहां नहीं गया, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, वो बेचारे बैठे हुए, उनकी भी चर्चा मैं आगे करूंगा। अजय कुमार मिश्र जो हैं आराम से फंक्शन में जाते हैं, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, और यहां पर काम चल रहा है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से मोदी सरकार से सवाल किए हैं। आपके सामने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, इस पर कल फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि उसने मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने आरोपी हैं, इन सब जानकारियों के साथ वो कल रिपोर्ट दाखिल करे। और दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस पीआईएल पर ये मामला कोर्ट में गया था, उनके पक्ष का क्या कहना था आपकी स्क्रीन पर। सुनवाई शुरू होने से पहले मामले में चिट्ठी डालने वाले वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि लखीमपुर खीरी घटना में कई किसान मारे गए हैं, यह प्रशासन की लापरवाही से हुआ है, अदालत इस मामले में उचित कार्रवाई करे। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट हमारे लेटर को गंभीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मामले में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कड़े तेवर अपनाए हैं, उनका बयान आपके स्क्रीन पर दोस्तों। लखीमपुर हत्याकांड में नए वीडियो साक्ष्यों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा। भाजपा को सत्ता के दंभ का मोतियाबिंद हो गया है। भाजपा सरकार में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक यह निष्क्रियता स्वयं में आपराधिक है, बेहद शर्मनाक, घोर निंदनीय, भाजपा खत्म। दोस्तों दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दंभ में, अपने अहंकार में इस कदर अंधी हो गई है कि उन्हें हकीकत नहीं दिखाई दे रहा है। उनके पार्टी के एक सांसद, एकमात्र सांसद वरुण गांधी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और आज उसका इनाम उन्हें मिल गया। वरुण गांधी लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, लगातार लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है, और वो अपनी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो। और आज जो उन्हें ट्वीट किया उसका उन्हें सिला मिल गया। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर द वीडियो। दरअसल ये जो इनका ट्वीट है वो ताजा वीडियो जो आया है उसके बाद आया है। उन्होंने क्या कहा, द वीडियो इज क्रिस्टल क्लियर, प्रोटेस्टर्स के नॉट बी साइलेंस्ड थ्रू मर्डर, देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी फॉर द इनोसेंट ब्लड ऑफ फार्मर्स दैट हैज बीन स्पिल्ड, एंड जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड बिफोर अ मैसेज ऑफ एरोगेंस
and cruelty enters the mind of every farmers. अब हुआ क्या है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इससे इस कदर बौखला गई कि उन्होंने वरुण गांधी को इसका यह सिला दिया। आपके स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की खबर, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किए गए वरुण गांधी और मेनका गांधी। वरुण गांधी तो समझ आता है क्योंकि वरुण गांधी बोल रहे हैं, अब सिर्फ इसलिए कि मेनका गांधी उनकी मां है उनको भी बाहर कर दिया। दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हकीकत से इस कदर कोसों दूर है कि इन्हें हकीकत नहीं दिखाई दे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इनके जो प्रवक्ता हैं वो किस तरह के वाहियात और हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं। आपके सामने पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, इनके वो गिने चुने प्रवक्ता हैं दोस्तों जिनकी मैं इज्जत करता हूं क्योंकि बहुत संजीदगी से बात करते हैं, बहुत संवेदनशीलता से बात करते हैं, बहुत सेंसिबल हैं। वो कौन है, वो शिशुपाल, वो वैसे नहीं है वो बिल्कुल। तो सुधांशु त्रिवेदी ने जो भी कहा है वो भी बहुत हास्यास्पद है। क्या कहा है आपके स्क्रीन पर, सभी मृतकों के लिए हृदय में समान पीड़ा होनी चाहिए, जो गाड़ी में कुचले गए वो पीड़ादायक है, पर विवेचना का विषय है कि जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई या परिस्थितिवश, परंतु जो लाठियों से पीटकर मार दिए गए इसमें तो विवेचना की आवश्यकता नहीं है, ये तो सरासर हत्या है, फिर उनके लिए पीड़ा क्यों नहीं। इनको अब एक नया शब्द मिल गया है, परिस्थितिवश, परिस्थितिवश यानी कि हालात की वजह से एक्शन लिया गया। यह बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब उस थार गाड़ी ने किसानों को पीछे से इसलिए उड़ा दिया क्योंकि शायद उन पर किसान हमला कर रहे थे। इनको परिस्थिति यहां दिखाई दे रही है, मगर इनको परिस्थिति यहां नहीं दिखाई दे रही कि तुमने पहले किसानों को रौंद दिया और उसके बाद कथित तौर पर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं को मार दिया। तुम्हें यहां पर परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है, इतनी शर्मनाक हरकत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि तुम मौतों को इस तरह से तौल रहे हो। मैंने लगातार कहा है दोस्तों, चाहे किसान मारे जाएं या उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, दोनों निंदनीय है, दोनों निंदनीय है। और शर्म की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपने किसी कार्यकर्ता के घर नहीं गया। शुभम मिश्रा इनके एक कार्यकर्ता है जिनकी मौत हो गई, उनका परिवार क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोई मुआवजा नहीं मिला, न सरकार के मंत्री घर आए। लखीमपुर में मारे गए बीजेपी बूथ अध्यक्ष शुभम के पिता ने जताई नाराजगी। शुभम के पिता विजय मिश्रा ने कहा, हम भी किसान हैं, हमने भी नौजवान बेटा खोया है, हमारी बात क्यों नहीं दिखाई जा रही है। वो आगे क्या कहते हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए शुभम का परिवार भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज है। बीजेपी बूथ अध्यक्ष शुभम मिश्रा के पिता विजय मिश्रा ने एनडीटीवी से बातचीत में खुलकर अपनी इस नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, सरकार के मंत्री न तो हमारे घर आए और न ही किसी का फोन आया। विजय मिश्रा ने कहा कि हम भी किसान हैं, हमने भी नौजवान बेटा खोया है, हमारी बात क्यों नहीं दिखाई जा रही। घटना के वक्त शुभम सफेद शर्ट में थार गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और वे गाड़ी से निकल नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में तोल रही है अपने कार्यकर्ताओं की मौत और किसानों की मौत, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने कार्यकर्ता से तक मिलने नहीं जा रहे। और आप आरोप किस पर लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, मौतों पर राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, यूपी कांग्रेस ने इस खबर को डाला है और ये खबर क्या कहती है, इसमें प्रियंका गांधी एबीपी न्यूज से बातचीत कर रही हैं। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता मरे हैं उनसे भी मिलना चाहती थी, मैंने आईजी से पूछा भी लेकिन आईजी ने कहा कि वो नहीं मिलना चाहते, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं। प्रियंका गांधी तो मिलना चाहती थी शुभम मिश्रा के परिवार से, उनका परिवार नहीं मिलना चाहता वो एक अलग मुद्दा है, मगर प्रियंका गांधी उनसे मिलना तो चाहती थी। बीजेपी के किस नेता ने अपने कार्यकर्ता की बात की? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसानों के परिवारों से मिलने की इच्छा जाहिर की? आप तो लखनऊ बुला लेते हैं ना आदित्यनाथ जी, लखनऊ ही बुला लेते उनको, बुलाया आपने?
मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, एक एक करके चार तस्वीरें आएंगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, यहां पर राहुल गांधी मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मिल रहे हैं। अब एक किसान मारा गया, यहां पर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों उनसे गले मिल रहे हैं। लोग इस तस्वीर के बारे में सवाल कर रहे हैं कि साहब ये तो सियासत है, राजनेता है सियासत ही तो करेगा ना। मगर आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कोई त्रासदी होती है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार राजनेताओं को घटनास्थल जाने से रोक रहा है। पहले आपने रोका, आपने तीन चार दिन क्यों रोक के रखा, आखिरकार आपको इजाजत देनी पड़ी ना, कटवा ली अपनी नाक, करवा ली बेइज्जती, तीन दिन क्यों रोक के रखा आपने बताइए। तो अगर वो मिल रहे हैं, अगर आपको ये राजनीति लग रही है तो मैं ये जानना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ये पत्रकार सवाल पूछें इस सरकार से। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देश का सबसे बड़ा समूह टाइम्स नाउ इस पर क्या कार्यक्रम कर रहा है। थ्री डेज आफ्टर डेडली क्लैशेस कांग्रेस मार्चेस टू लखीमपुर खीरी अनाउंसेस 50 लाख फॉर 5 डेड बट नो वर्ड ऑन 3 लिंच्ड। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए तो 50 लाख के मुआवजा की घोषणा कर दी, मगर जो 3 अन्य मारे गए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मारे गए उनके बारे में क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। टाइम्स नाउ से मेरे दो सवाल, क्या टाइम्स नाउ ने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप लखनऊ में थे जो कि लखीमपुर खीरी से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है, क्या प्रधानमंत्री नहीं जा सकते थे परिवार से मिलने? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि जब वो अमरीका से आए थे तो रात में चले गए थे, वो जो उनके संसद भवन के सामने सेंट्रल विस्टा का जो निर्माण हो रहा है, अब क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री बताइए। जब प्रधानमंत्री अपने नए बंगले का निर्माण देखने जा सकते हैं, तो जब मेरे किसान मारे गए हैं, चलिए किसानों से अगर आपको नफरत है, आपकी जो भाजपा के 2-3 कार्यकर्ता मारे गए हैं उनसे तो आप मिलने जा सकते थे, उनसे आप क्यों नहीं मिलने गए? क्या मीडिया ने इनसे कोई सवाल पूछा? और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो अन्य चैनल्स में आकर इस तरह की वाहियात और हास्यास्पद बातें करते रहते हैं, क्या उनसे इन पिछलग्गू एंकर्स ने सवाल पूछा, इन पालतू एंकर्स ने सवाल पूछा? हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। खबर आई है दोस्तों जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। अंबाला के नारायणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सांसद नायाब सैनी के काफिले ने विरोध कर रहे किसानों पर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दी। एक और खबर सामने आ रही है, नायाब सैनी जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक और लखीमपुर खीरी अगर एक खबर सत्य है तो, यानी कि कोई हद नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी क्या अपने दिल में किसानों के लिए इस कदर नफरत लेके चल रही है? यह नायाब सैनी वाला मामला क्या है दोस्तों? यह वीडियो चल रहा है आपके स्क्रीन पर, यह अंबाला के नारायणगढ़ का बताया जा रहा है और इसमें किसानों की नाराजगी देखी जा सकती है। मैं यह समझना चाहता हूं कि आखिर किन हालात में बीजेपी के सांसद ने किसानों पर फिर से गाड़ी चला दी। यह भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है भाई, इस कदर नफरत। और शर्म की बात यह है दोस्तों कि मेरठ में एक फंक्शन होता है सीआरपीएफ का, वहां पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जाते हैं। अब जाहिर सी बात है उनसे सवाल होगा कि आप ही के सहयोगी अजय मिश्रा ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया, उनसे लखीमपुर खीरी के बारे में सवाल होगा क्योंकि वो मेरठ में, उत्तर प्रदेश में स्थानीय मामला है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। और सबसे शर्म की बात यह कि सीआरपीएफ के डीजीपी कह रहे हैं कि ऐसे इरिटेट करने वाले सवाल मत पूछो। देखिए क्या हुआ तमाम, देखिए। सीआरपीएफ, आरएएफ और इसके सभी अंग और माननीय गृह मंत्री का भरोसा है, सीआरपीएफ और इसके सभी प्रमुख अंग। मंत्री जवाब दीजिए, लखीमपुर में जो ये भी तो आंतरिक समस्या है, इस बात को बात करना आपको करिए, आप इरिटेट क्यों करते हैं? आपको ये करना है बाहर करिए ना जाकर के। प्लीज मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, इस वक्त घड़ी के 3 बज रहे हैं जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, ना अजय मिश्रा ने इस्तीफा दिया है अब तक, ना उनके बेटे मोनू मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम सवाल हम पत्रकारों को पूछना चाहिए, हम पत्रकारों को ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं?
जब फ्रांस में एक आतंकवादी हमला होता है नाइस नाम के शहर में। यह देखिए प्रधानमंत्री का ट्वीट, वहां पर जब ट्रक लोगों को रौंद के आगे निकल जाता है प्रधानमंत्री इस पर बयान देते हैं, मगर यहां पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। यह क्या संदेश जा रहा है लगातार? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस तरह से अपने पार्टी के प्रधानमंत्री बनके कैसे रह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप खुद बताइए ना, हो सकता है कि आप इस पार्टी के अंधभक्त हों, मगर क्या इस मुद्दे से आप अपना मुंह मोड़ सकते हैं? यह हकीकत है दोस्तों, इससे मुंह मत मोड़िए। मगर क्या करें, हकीकत यह भी है दोस्तों कि बहुत आसानी से लोग उनसे जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के जरिए, मैंने आपको दिखाया टाइम्स नाउ क्या कचरा चला रहा है, मीडिया के जरिए जो लोगों को धतूरा चटाया गया है धर्म का, लोगों को जो डरा दिया गया है कि अगर मोदी जी चले गए तो मुगलों का राज हो जाएगा, औरंगजेब फिर से जिंदा हो जाएंगे। मुझे सच बताएं दोस्तों, कोई उम्मीद नहीं है। और अब भी उस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल नहीं पसीज रहा है तो तुम अंदर से मर चुके हो। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार। Thank you.